गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएटिव यामिनी। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू दिस मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है, प्रॉपर राजस्थानी मारवाड़ी मेकअप लुक। इट्स अ बेसिकली परफेक्ट वाला जो राजस्थानी मेकअप लुक होता है, ज्वेलरी आउटफिट वो कंप्लीट मैंने किया है। सो यस गाइज, देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। एंड वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरीके के कुछ ट्रेडिशनल मेकअप लुक्स और भी देखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टा पे तो फॉलो कीजिए, मेरा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर रही हूँ गुड वाइव्स के इस मिस्ट की हेल्प से। अच्छे से अपने फेस पे मिस्ट अप्लाई कर लिया है। इस टाइम पे बारिश भी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो रही है तो स्किन ड्राई भी है, स्वेटिंग भी हो रही है। सो अप्लाई कर लिया है मिस्ट। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है गुड वाइव्स का रोज़ हिप फेस सीरम जो कि बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिसके लिए मैंने IGNS एक ब्रांड है, हाई एंड ब्रांड, तो उसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस शियाना ब्रांड का ये प्राइमर प्लस इट्स अ बेसिकली लिक्विड शिमर हाइलाइटर। यस, तो बेस बहुत अच्छा चाहती थी मैं कि इस लुक के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे बेस मिले। यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मालिया का ऑयल फ्री प्राइमर एंड ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, आज फाइनली फिनिश हो चुका है, बट ये बहुत अच्छा प्राइमर था, ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। स्टेकोकी का कलर कैरेक्टर लिया है ऑरेंज कलर का एंड जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं अभी, वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड ये काफ़ी सारे रीज़न से होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। सो फर्स्ट हम आई मेकअप से करेंगे क्योंकि आई मेकअप हैवी करने वाली हूँ मैं। सो यस, अगर आप हैवी या शिमर आई मेकअप कर रहे हैं तो आप आई मेकअप को पहले करें देन फेस मेकअप करें। सो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। एंड यहाँ पे कंसीलर के लिए मैंने हाफ एंड हाफ का SG प्रो कंसीलर लिया था, आई एम इन दी शेड 04 आइवरी। यस, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लूज पाउडर से अपनी आईलेट को सेट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने लूज पाउडर के लिए लिया था स्पीन्स का BB लूज पाउडर। एंड आईब्रोज को फिल इन करने के लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ब्राउ किट, आई एम इन दी शेड 02 डार्क ब्राउन शेड लेकर के एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लिया है। सो यस, इस तरीके से आईब्रोज को फिल इन कर लिया है मैंने। एंड आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ये न्यूट्स आई शेडो पैलेट लिया है एंड एक पिंकिश या बोल सकते हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड लिया है ट्रांजेक्शन क्रीज के लिए एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। एंड थोड़ा सा वी अप्लाई करते हुए मैं इसको अपनी क्रीज के ऊपर तक अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है बट मैंने इसको क्रीज के ऊपर तक जाने दिया है क्योंकि जो एग्जिट मेरा क्रीज एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करूंगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का शेड पिक किया है बट जब मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया था मुझे पिंकिश शेड मिल रहा था। सो यस, इस तरीके से मैंने 3 से 4 शेड्स यूज़ किए थे अपने आई मेकअप में एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आई मेकअप टर्नआउट भी हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे प्रॉपर राजस्थानी वाला मेकअप लुक किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हिलारी लोडा का ये आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, इससे रेडिश मैरून शेड पिक करके अपनी आउटर वी में फोकस करते हुए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शेड अप्लाई कर रहे हैं या कम शेड भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड करो, जितना ज़्यादा अच्छे से आप इसको ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका आई मेकअप सॉफ्ट लगेगा, क्रीज नहीं करेगा। सो अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट सेम पैलेट से मैं ये गोल्डन शिमर शेड ले रही हूँ एंड अपने इनर व्यू में अप्लाई करते हुए इसको मिड एरिया तक अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैशेज अप्लाई कर ली है, लैशेज ये है हुडा ब्यूटी की। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे का ये गोल्ड लाइनर यूज़ कर रही हूँ और अपनी हाफ क्रीज में मैंने इसको अप्लाई कर लिया, लाइक अ कट क्रीज। नेक्स्ट मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का हाइपर कर्लिंग मस्कारा, अपनी फेक एंड रियल लैशेस को मिक्सअप कर लिया है। मेबलिन का ही काजल यूज़ किया है, मेबलिन का कॉलोसल काजल, अपनी वाटर लाइन में इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जो शेड मैंने अपनी ट्रांजिशन क्रीज के लिए लिया था वही शेड मैंने अपनी आउटर वी में जो है ब्लेंड कर लिया है। एंड लाइनर के लिए अगेन मैंने लिया है लैक्मे का इंस्टा ब्लैक लाइनर, इससे मैं हल्का सा विंग अप्लाई करूंगी बट अपने लाइनर को बोल्ड रखूंगी।
नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड जिसके लिए मैंने वेट एंड वाइट का फाउंडेशन लिया, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट फाउंडेशन एवर आई ट्राइड, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, गो एंड बाय दीज। मतलब ये मेरा फिनिश हो चुका है, बट मैं चाहती थी कि ये लुक मेरा परफेक्ट टर्न आउट हो, इस वजह से मैंने इस फाउंडेशन को जैसे तैसे जितना भी प्रोडक्ट था वो यूज़ किया, एंड एक बार में ही जो लेयर बनती है ना वो बहुत अच्छी कवरेज देती है, तो आपको अलग से और अप्लाई भी नहीं करना होता है। सेम कंसीलर मैंने हाफ एंड हाफ का लिया है एंड इसको अपने अंडर आई एरिया में जहाँ भी मुझे अभी भी थोड़ा सा डार्कनेस लग रहा था वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। आप एक लेयर और लगा सकते हैं बट मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फाउंडेशन का कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एक और लेयर लगाने की। बट ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी गो एंड बाय दीज प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मी नाउ का लूज पाउडर, ये एक शिमर लूज पाउडर है अपनी अंडर आई को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए। बेकिंग करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट, डार्क ब्राउन शेड लेकर के ऑल ओवर फेस पे मैंने अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर ली है एंड नोज पे थोड़ी सी हैवीली ब्रॉन्जिंग की। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हैवी नोज ब्रॉन्जिंग हुई है या नोज काफ़ी ज़्यादा शार्प दिख रही है, बिकॉज की मैंने जो लूज पाउडर है वो थोड़ा सा व्हाइटिश है, तो उसको अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे भी अप्लाई किया हुआ है। अब जो भी एक्सेस लूज पाउडर था हम उसको रिमूव कर लेंगे, एंड मैं चाहती थी कि मेरा जो फेस है काफ़ी ज़्यादा चिजल्ड लगे, जो भी फेस के कट्स है वो बिल्कुल क्लियर लगे, एंड ये काफ़ी अच्छे से टर्न आउट हुआ था लुक। एंड ब्लश के लिए वेट एंड वाइट का ब्लश लिया है, हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, मोल्टन गोल्ड मेरा शेड है, एंड फैन बिग फैन ब्रश की हेल्प से फेस को हाईलाइट कर लिया, स्मॉल से ब्राउ बोन को एंड पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर्स को। मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे। लिपस्टिक लिए आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइट की कैसवीड लिक्विड लिपस्टिक, आई डोंट नो विच शेड इज दिस बट इट्स अ ब्यूटिफुल रेडिश पिंक शेड है, इट्स लगता रेड है बट कभी पिंक एंड उसका कुछ रंग रहता है, बट बहुत प्यारा शेड है। सो यस गाइज, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ही टर्न आउट हुआ है, एंड ये आउटफिट जो है मैंने किसी से बोरो किया था मेरी वेडिंग के लिए, बट कोई और पहनने वाला है इसको तो मैंने ही ट्राई कर लिया। एंड ये मेरा जो भी ज्वेलरी थी वो DIY थी, लाइक मेरा टीका है, मेरी नोज रिंग है, सो ये सारी ही ज्वेलरी जो है DIY, बाकी का नेकलेस जो है वो मेरी मॉम का है, ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं इस तरीके के, सो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड ये प्रॉपर एक राजस्थानी आउटफिट है, एंड पूरा आउटफिट आप देखना चाहें तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का आपको जो हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।